हेलो नमस्कार दोस्तों और सभी को जय श्री राम। दोस्तों पुराने जमाने में जब कोई योद्धा युद्ध के मैदान से रणभूमि से जीत कर वापस आता था तब भी इतना जश्न नहीं मनाया जाता था। जब किसी का बच्चा यूपीएससी में पास हो जाता है, एग्जाम क्लियर कर लेता है, तब भी इतनी खुशियां नहीं मनाई जाती। जितना एक शराब घोटाले के आरोपी जो कि इस बैकग्राउंड के ऊपर बाहर है कि तुम्हारी एक राजनीतिक पार्टी है और चुनाव चल रहे हैं इसलिए तुम सिर्फ प्रचार करो, जिसके ऊपर लगभग सभी तरीके की रोक लगाते हुए, सभी अधिकारियों को रोक लगाते हुए कुछ ही छूट दी गई है, इतना जश्न इतनी खुशी मनाई जा रही है। विपक्ष के नेताओं को जेल में डालकर चुनाव जीतने के अहंकार और साजिश को आज थोड़ी चोट पहुंची है। दोस्तों चमचे तो चमचे, इनके साथ साथ मीडिया के भी काफी चरण चाटू पत्तलकार जिनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। इनकी खुशी ऐसी हो गई है जैसे इनके घर में खुशखबरी आ गई हो। इतनी खुशी अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए। बाहर आते ही केजरीवाल ने अपना पुराना कहा याद दिलाया, कहा था ना मैं जल्दी आऊंगा, आ गया। आते ही केजरीवाल ने 4 मिनट का तूफानी भाषण दिया। दिल्ली के सरजी की तरफ से लगभग सारे पैतरे अजमा लिए गए थे बेल के लिए, पर बेल नहीं हुई। और कोर्ट की तरफ से क्लियर बोला गया है कि अगले महीने 2 तारीख को चुपचाप आकर यहां पैक हो जाना, बंद हो जाना, सरेंडर कर देना। और इस खुशी में चमचों को अब पता नहीं है कि बोलना क्या है। कोई बोल रहा है लोकतंत्र जिंदा है, कोई बोल रहा है लोकतंत्र बीमार है। इधर से एक सवाल था कि क्या घोटालों के नाम पर मांगेंगे, और उधर से सवाल था बुजुर्ग का कि लोकतंत्र खत्म नहीं हुआ है, उसे कोई खत्म नहीं कर सकता। देखिए बिल्कुल देश का लोकतंत्र अमर है और हमारी सांसों, जब तक हमारे शरीर में लहू का एक एक कतरा है तब तक लोकतंत्र पर आँच नहीं आने देंगे, और बीजेपी ने कोशिश की है। और लोकतंत्र पर खतरा कैसे है इस चीज को बताता हूँ। ये सुनिए एक सेकंड, देखिए ये जान बूझ कर फर्जी मुकदमे में जान, अरे बीमार भी तो हो सकता है भाई साहब। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। लेकिन अब बेल हुई भी है तो ग्राउंड्स हैं राजनीतिक पार्टी की वजह से, ये माना जाए तो माननीय कोर्ट की एक ये दया है कि चलो ठीक है लोकतंत्र है, तुम जाकर प्रचार तो कर ही लो, नहीं तो कल को तुम बोलोगे कि हम इस वजह से हार गए। लेकिन चमचे हैं कि मानने को नहीं है, इस तरीके से जश्न मना रहे हैं जैसे जीजा जी का यूपीएससी का एग्जाम क्लियर हो गया हो। और इनके साथ साथ इनके सहयोगी, इनके पार्टनर और लगभग इनके ही जैसे नेता जो खुद मेडिकल बैकग्राउंड्स पर बाहर हैं, वो तो उनकी तो खुशी का ठिकाना नहीं है, वो तो अलग ही लेवल की खुशी में है। क्या बोले थे विद्यार्थी परिषद का लड़का आगे बैठ गए, मोदी मोदी तंत्र कैसे खतरे में है। फर्जी मुकदमे में विपक्ष को जान पूछ करके जेल में ठोका जाता है, इनको विपक्ष मुक्त राजनीति चाहिए, प्रश्न मुक्त, इनको ये इनका लोकतंत्र है जो ये लोकतंत्र चाहते हैं। ये पर्ची लाए हैं, पूरा लिख लिख के लाए, ऐसे अच्छी बात है क्या? आरो पेपर में जवाब दो, खैर अब देखना ये है कि दिल्ली वाले सरजी चुनाव में क्या बोलकर पब्लिक से वोट मांगेंगे कि मैं तो वापस जेल चला जाऊंगा, आप इनको वोट दे देना। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।